हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, कल मेरे सिर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी, तो थोड़ा सा रिलैक्स हुई, बाहर जाके बैठी मैं, और मैं सिंदूर की बिंदी लगाई थी, अभी देख ऐसे खो गई, खराब हो गई। और फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मैं दूसरी बिंदी लगाती हूँ तो मेरी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। और फ्रेंड्स, अभी कमरे का बहुत बुरा हाल है, किचन की मैंने साफ़ सफाई कर दी है, नहा कर धो बत्ती कर दी थी, बस कमरे की साफ़ सफाई रह गई थी, क्योंकि खाना भी बनाना होता है, इतना टाइम नहीं होता है। और मैं भी आपको, लाइट भी नहीं है, और किचन की देख लो, A to Z साफ़ सफाई कर दी है। ये मेरे रोटी रखने वाले कपड़ा है, इसमें हम बॉक्स में रखते हैं, जो जिसमें गर्म रोटी रखते हैं उसके कपड़े ये। और फ्रेंड्स, दूसरे कमरे की साफ सफाई करने को है, यहाँ भी काम सफाई करने को है। कल का काम ऐसे की ऐसे ही पड़ा हुआ, मैंने बताया था ना आपको, ऐसे ही पड़ा हुआ, क्योंकि कल इतनी दर्द हो चुकी थी, इतनी दर्द हुई थी, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, और फिर टाइम भी नहीं लगा मुझे, और ठंड भी होती है, थोड़ा सा आलस भी आ जाता है ठंड करके। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे मुझे, और बहुत अच्छी धूप आई हुई है आज, बहुत ज़्यादा अच्छी धूप, ये देखिए अंदर ही आती है धूप। मैंने ब्लाउज को सिलाई करनी थी, और मोटर वाली मशीन है तो अभी लाइट नहीं है, उतने को मैं अपने कमरे की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपके साथ फिर से। फ्रेंड्स, ये देखना स्वेटर बुनने वाली मशीन यहाँ रखी हुई, क्योंकि मैं इसको यहाँ लगाती हूँ, कभी तब को सिलाई करनी पड़ती है, कभी बुनाई करनी पड़ती है, तो अभी मेरे को ये रखना पड़ा, और ये फिर मैं सिलाई कर रही हूँ, और मैं पहले कर लेती हूँ यहाँ कमरे की साफ़ सफाई। ये लगा दिया है, यहाँ भी गैलरी में भी पोचा, और यहाँ भी लगा दिया है। फ्रेंड्स, मैं डेली नहीं लगाती पोचा अपने, जैसे कि इस मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को, मंडे को, संडे को ऐसे लगाती हूँ, क्योंकि बच्चा तो बड़ा ही है, वो सारा दिन स्कूल चले जाता है, मैं अकेली होती हूँ, मैंने कितना सा कूड़ा पाना, मतलब झाड़ू डेली लगाना, और पोछा मैं तीसरे दिन लगाती हूँ, इतना थक भी जाती हूँ तो भी। ये कर दी बेड की भी साफ सफाई, रजाइया वहीं रख दी है, और ये है इधर का खलारा भी साफ कर दिया है, जो कचरा पड़ा हुआ था यहाँ पे वो भी कर दिया है, और उधर भी पोछा लगा दिया हुआ है। ये मैंने मशीन यहाँ रखी हुई है, कैमरा हिल रहा है, और ब्लाउज सिलाई करके कुछ बुनाई का काम कर। फ्रेंड्स, सारे पोछा लगा दिया है पूरे कमरे में, किचन में भी, और सारे साफ सफाई कर दिया है। लाइट अभी आई नहीं, शायद पत्नी कट लगा हुआ, आज सेट डाउन होगा, क्या होगा, अभी तक लाइट नहीं आई है, और टाइम अभी 12 लगे बजने, तो मैं बनाती हूँ अब इसकी सब्जी, ये अरबी है, इसकी सब्जी बनाती हूँ, इसको काट लेती हूँ, धूप में रखूँगी फिर। ये काट दी है मैंने अरबी की सब्जी, अब इसको मैं धोकर डालूँगी धूप में सूखने के लिए, धो लेती हूँ पहले इसको।
आज हमारा दूध बहुत लेट आया, वैसे भी 12 बजे आता है, आज आया है। फ्रेंड्स आज दूध हमारा बहुत लेट आया और दिन 12 बजे आ जाता था, आज दूध आया 1:30 पौने 2 बजे। और तब अभी मैं दूध भी गर्म कर लेती हूँ, आज सुबह से मैंने नाश्ता भी नहीं किया और तो कुछ नहीं खाया था, तो अभी मैंने लंच किया है। लंच में बस रात वाली हमारी सब्जी थी और आजकल ख़राब नहीं होती, सर्दियाँ है वो टेस्टी बनी हुई थी तो वही खाई, और चपाती और वो नींबू डाल के बहुत टेस्टी लगी। और फ्रेंड्स मैं भी दूध गर्म कर लेती हूँ, फ़ोन में बैटरी नहीं है तो अगर लाइट आ गई तो मैं चार्जिंग में लगा के और वीडियो बना दूँगी, और ब्लॉग जब लंबा हो जाता है, नहीं आ रहा है इसमें SOS की, तो बैटरी ख़त्म हो चुकी है। और फ्रेंड्स तो मेरे साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए आपका थैंक यू सो मच, मुझे सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए, दिल से शुक्रिया आप सभी का। ये बन गई है सेवियाँ, बस ये आज हमारा डिनर है। दूध वाली, और इसमें मैंने दाखे डाली हुई किशमिश, वो तो इसको